वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं आपके लिए वड़ा पाव की रेसिपी लाई हूँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से हम बनाएंगे और अलग तरीके से ही प्रेजेंट करेंगे, तो कुछ नया सा होने वाला है, तो आप पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना तेल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो मैं डालूंगी 1 टीस्पून सफेद उड़द की दाल। बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है इसका, जो झोंक हम लगाएंगे उससे वड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। हल्का सा गुलाबी हो जाए तो मैं 1/2 टीस्पून जितनी सरसों डालूंगी, यानी कि राई। राई को थोड़ा सा चटकने देंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। 1 चुटकी हींग डालेंगे। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। 5 से 6 करी पत्ते हैं जिसे मैं थोड़ा सा तोड़कर डालूंगी। 6 से 7 पुदीने के पत्ते हैं, इसे भी हम तोड़कर डालेंगे। अगर आपके पास है तो जरूर से डालिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। हाफ टी स्पून मैं डालूंगी मिर्ची का पेस्ट, और यहाँ पर मैं मिर्ची का पेस्ट और कटी हुई मिर्च दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, आप चाहे तो कोई एक चीज भी ले सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा सौते करना है 10-20 सेकंड के लिए सिर्फ। मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। अच्छे से सौते हो चुका है। मैंने यहाँ पे कच्चे केले लिए हैं जिसे उबाल लिया है। 3 कच्चे केले लिए थे, उसे उबाल कर मैंने मैश कर लिया है, उसे भी डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1/4 टीस्पून डालूंगी आमचूर पाउडर। अगर नहीं है तो आप सिर्फ नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी डालूंगी, 1/4 चम्मच जितना ही। मसाला हमारा थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा होना चाहिए तो ही अच्छे से टेस्ट आएगा। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया और अब सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले और कच्चे केले अच्छे से सारे चीजें मिक्स हो चुकी हैं। हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब इसे मैं एक बोल में निकाल लूंगी। मसाले को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है, एकदम चटपटा सा। बेसन का एक बोल प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप जितना बेसन लिया है जिसमें मैं डालूंगी 1 चुटकी जितनी हींग। 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और इसमें ही मैं डालने वाली हूँ 2 टेबलस्पून जितना चावल का आटा। अगर आपके पास है तो जरूर से डालिएगा, अच्छा क्रिस्पीनेस आता है इससे। अब सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर को रेडी करेंगे। उठलिया ना रह जाए इस तरह से हमें बैटर को रेडी करना है, और कंसिस्टेंसी हमें पोरिंग चाहिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। लास्ट में मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब ढककर इसे हमें 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। बैटर देखिए अच्छे से सेट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इस तरह से पोरिंग लेकिन रनी कंसिस्टेंसी। हम इसमें अगर ब्रेड डिप करते हैं ब्रेड की स्लाइस को, तो ये ऊपर एक कोटिंग आ जाना चाहिए, बस वैसा ही हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने तवा ले लिया है और थोड़ा सा मैं बटर अप्लाई कर दूंगी। थोड़ा सा अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बटर में टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। आंच को स्लो रखना है, नहीं तो बटर हमारा जल जाएगा। यहाँ पे मैंने व्हाइट ब्रेड की स्लाइस ली है जिसे मैं इस तरह से इसमें डिप करके एक्स्ट्रा निकाल लूंगी। बेसन का जो बैटर है वो एक्स्ट्रा हमें निकाल लेना है और यहाँ पे ऐसे प्लेस कर लेना है। वैसे ही दूसरा भी एक्स्ट्रा निकाल देंगे और फिर यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आंच को स्लो ही रखना है और स्लो आंच पर हमें नीचे की साइड को अच्छे से कुक कर लेना है। करीबन 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा बटर लगा लेंगे।
बटर को हल्के हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे। पलट लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से नीचे से सिक चुका है, बेसन का कच्चापन इससे चला जाता है और अच्छे से सिक जाता है। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। आंच को हमें स्लो ही रखना है। अब यहाँ पर मैं हरी चटनी को अच्छे से लगा लूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो वड़ा पाव में जो जो एलिमेंट्स जो जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर मैं केले का जो स्टफिंग हमने मसाला बनाया था उसे प्लेस कर देंगे। एक पतला सा लेयर हमें करना है क्योंकि हम दोनों ब्रेड पे मसाला लगाने वाले हैं। बस अच्छे से फैला लेना है इसे। देखिए दोनों ब्रेड की स्लाइस पे मैंने हमारा मसाला लगा लिया है और अब ये है हमारे वड़ा पाव की जान, उसकी चटनी जो मैंने जैन बनाई है, घर पे ही बनाई है। ऑलरेडी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब नीचे का लेयर जो अच्छा खासा क्रिस्पी हो जाए उसके बाद हमारी वड़ा पाव सैंडविच कहिए या जो भी कहिए चिल्ला जैसा सर्विंग के लिए तैयार है। हम इसके सैंडविच की तरह ही सर्व करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चीज स्लाइस भी लगा सकते हैं अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। नीचे का लेयर भी मैं चेक कर लूंगी, बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुका है। मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ पे इस तरह से टर्न कर लूंगी और एक सैंडविच की तरह हम बना लेंगे। ये देखिए, देखिए ऊपर का लेयर कितना अच्छा सिक चुका है। मैं ये देखिए यहाँ पे भी अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया टेक्सचर के साथ वड़ा पाव कुछ नए रीत से हमने बनाए हैं, नए तरीके से बिना फ्राई किए हुए वड़े। और वड़ा पाव का मजा आप इस तरह से भी ले सकते हैं। मैं इसे कट कर लूंगी। अब देखिए आपको आवाज आता होगा कितना क्रिस्प बना है। और देखिए हमारा वड़ा पाव अलग अलग लेयर्स के साथ बनाया हुआ मजेदार और टेस्टी। देखिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी, कुछ अलग तरह से भी आप भी जरूर से ट्राई कर सकते हैं। बस अब एक ही चीज की कमी है और वो है एक मिर्ची की। इसके साथ बस एक मिर्ची सर्व कर दीजिए और कोई चीज की जरूरत नहीं है हमें। तो टेस्टी मजेदार ऐसा वड़ा पाव को अलग तरह से प्रेजेंट करने के लिए आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर से कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट्स भी जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।